minimum stress. That's the best classic. आईफोन यूजर्स के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, फोटो वॉलेट। इसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और चलिए जल्दी से फिर इसको डाउनलोड करने के लिए मैं बताता हूँ। ऐप स्टोर पर जाना है आपको। ऐप स्टोर पर सर्च करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको दिखेगा ये कैलकुलेटर हैश फोटो हाइड वीडियो फोटो। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। चलिए इसके बाद आप ओपन कर लीजिए। ये मैंने एक सेटिंग की हुई है। इस पर एक एरर मैसेज आएगा कि अनफॉर्चुनेट कैलकुलेटर हैज स्टॉप वर्किंग। अगर आप इसको ओके करोगे तो ये बंद हो जाएगा कैलकुलेटर अपने आप। फिर ओपन करते हैं। जितनी बार ओके करोगे आप ये बंद हो जाएगा। इसको ओपन करने के लिए सिर्फ स्क्रीन मैसेज पे जो एरर मैसेज आया है उस पर दो बार टैप कीजिए और फिर ओके कीजिए, ये खुल जाएगा। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड लगाएंगे उसी पासवर्ड से खुलेगा। मैंने इसमें पासवर्ड जो अपना डाला है वो है ये, और ये डालते ही खुल जाएगा आपका फोटो वैलेट। इसमें आप कोई भी अपनी वीडियोस फोटोज जो भी सेव करके रखना चाहते रख सकते हैं। डाटा बिल्कुल सिक्योर है। और उसके बाद आप जाइए सेटिंग में। सेटिंग में पासवर्ड रिकवरी के लिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें रिकवरी के लिए ईमेल आईडी डाल दीजिए अपनी। लैब पासवर्ड डाल लीजिए। उसके बाद इसमें रिकवरी ईमेल आईडी डाल दीजिए ताकि जब आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपको रीसेट लिंक आपको इस ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, तो डाटा लॉस्ट होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ओके कर दीजिए इसमें आईडी डाल के। उसके बाद जो अभी एरर मैसेज वाला जो एरर आ रहा था उसकी भी एक सेटिंग है, ये डिस्क्यू मोड। इसको आप ऑन, अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। उसके बाद ये एरर आएगा और इसको दो बार टैप कीजिए और ओके कर दीजिएगा तो ये एरर मैसेज चला जाएगा। तो अभी आप फिर से जाके बैक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं इसको। अब ये एरर मैसेज आ गया। इसको ओके करोगे तो ये नहीं खुलेगा। इस पर दो बारी टाइप कर, एरर मैसेज पे दो बारी टाइप कीजिए और ओके कीजिए, खुल जाएगा। फिर अपना पासवर्ड डालिए, ये जी खुल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये सभी तक पहुंच सके।